आ गई तू अपनी मनमानी अपनी मर्जी से शादी करके? अपनी मर्जी से कहा, वो कैडबरी ने कहा कि आपने फोन पर इजाजत दे दी। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा कमीने को। पुरुषोत्तम क्या कर रहे तू? पता नहीं इस कमीने की बातों में आकर मेरी पोती किससे शादी कर आई है। नो दादाजी नो, आपका दामाद नो ऑर्डिनरी मैन, बिग रॉयल फैमिली, होटल मानसरोवर। होटल का चपरासी है वेटर साला? नो दादाजी नो, वहाँ के मालिक विक्रम सिंह की फैमिली से है, टिकमगढ़ का सबसे बदनाम घराना। आउट, यू हिट मी द रॉन्ग प्लेस, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल फैमिली दादाजी। तो विक्रम सिंह के घराने से आप उन्हें जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। हाँ? तो विक्रम सिंह के कौन से बेटे का बेटा, शक्ति सिंह की बलदेव सिंह? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह याद नहीं? वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले, गोल मटोल। अरे अक्सर आपकी बातें क्या करते थे? कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे विक्रम सिंह आजकल कहाँ है? प्रताप सिंह के यहाँ। प्रताप सिंह, विक्रम सिंह आजकल कर क्या रहा है? प्रताप सिंह के यहाँ नौकरी। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह आजकल क्या कर रहे हैं? वो तो 2 साल पहले ही टपक गए। टपक गए, ध्यान तो गया उनका। अरे राम राम, मुझे लगा वो पानी कैसे हो गए। अच्छा बेटी ये बताओ कि तुमने शादी कहाँ की? जी दादू, कोर्ट में। कोर्ट में? तुमने कोर्ट में शादी की? भड़कते क्यों आप, कोर्ट के नीचे पैंट भी तो थी। अरे बेटे मैं कोर्ट पैंट चड्डी बनियान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट अदालत कचहरी की बात कर रहा हूँ। देखो बेटे, ये शादी धर्म के अनुसार गलत थी, इसलिए मैं तुम्हारी फिर से शादी रचाऊंगा। अग्नि के सामने सात फेरे होंगे, ये तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा और मैं अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करूंगा, तब जाकर ये शादी होगी। ठीक है? जीते। हेलो। यस। संता सिंह क्या रहता है? व्हाट? नहीं मतलब संता सिंह स्टेज हियर? ओह आई डोंट नो एनी संता सिंह। छोटा आदमी लगता है, संता सिंह को नहीं जानता है, लगता अफ्रीका का अंग्रेज है। चलो मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। अरे भाई साहब, आप सचमुच के अंग्रेज लगते हैं, आप बता सकते हैं संता सिंह कहाँ रहता है? संता सिंह लॉस्ट एंड फाउंड में जाकर पूछो। लॉस्ट एंड फाउंड? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यस बोलो, कुछ खो गया या कुछ मिल गया? खो गया है सर, वो आप मुझे संता सिंह का पता बता सकते हैं? ओ संता सिंह बल बंटा सिंह। हाँ, वही वही वही। अच्छा वही जो दिल्ली के चांदनी चौक में रहता था? जी बिल्कुल वही। ये देखिए, मैं उसके लिए मुल्ला बकरी का अचार भी लेकर आया हूँ, आप उसको जानते हैं? वाई नॉट, हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। अरे वाह, एक मिनट, हम फोन करता है। अरे वाह, अरे वाह, मेरा सत्ता सिंह मुझे मिल गया, जल्दी 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 करो जल्दी करो। हेलो बूटा सिंह, हम डेविड बून बोलता है, इंडिया से संता सिंह का फ्रेंड आया है, तुम सबको लेकर इधर आ जाओ। हाँ ओके। आओ, आओ। यही है वो संता सिंह का दोस्त जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। मगर संता सिंह से तुम मिलवाइए ना। हाँ, हम तुमको तुम्हारा संता सिंह से मिलवाएगा। एक मिनट। ये रहा तुम्हारा संता सिंह। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, मटका सिंह नहीं, संता सिंह। संता सिंह ही बाहर गया है? बाहर नहीं, ऊपर गया है। ऊपर मतलब? मतलब दुनिया से चला गया है। मतलब मेरा संता सिंह मर गया? हाँ वो तो मर गया, लेकिन इन सब लोगों को जिंदा मार गया। उसने इन सब लोगों से उधार लिया था, पर वो कहता था इंडिया से उसका दोस्त आएगा और वो सारा का सारा उधार चुका देगा। कौन दोस्त? तुम इधर आया है, डेफिनेटली तुम इन सब लोगों का उधार चुका देगा। फ्रेंड्स आ गया हो और तुम सब अपना उधार इससे वसूल करो। संता सिंह तेरा सत्यानाश हो, मैं हिंदुस्तान में तेरे नाम पे जी रहा था, तू लंदन में मेरे नाम पे उधार ले रहा था। अबे परदेश में किसके पास जाऊं, मेरा तो कोई भी नहीं है। नहीं है ना, मेरी निकी बहन है, मेरा रोमी भाई है, मगर उनका पता नहीं है मेरे पास, मैं उनको तलाश करूंगा। निकी बहन, क्या तुम शादी करके आई हो? रोहित लिसन टू मी, ये एक फेक मैरिज है,
मैं उसे सिर्फ चंद दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लाई हूँ। इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? कहाँ बात करती, तुम तो बिजनेस टूर पर थे और मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। अगर वो लड़का सचमुच में तुम्हारे हस्बैंड होने का दावा कर बैठा तो? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसे तो खुद इंडिया जाने की जल्दी है। रोहित तुम जल्दी हॉलैंड से वापस आ जाओ। ठीक है डार्लिंग, जैसे मेरा बिजनेस खत्म हो जाता है मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बाय, लव यू। लव यू। मनी साहब, ये साड़ियां और बाकी के कपड़े मुझे अगले हफ्ते मिल जाने चाहिए, और उन जेवरातों का क्या हुआ, वो भी मुझे जल्दी चाहिए। ओ माय गॉड, ये पंडित अब तक क्यों नहीं आया? हेलो पंडित जी, आप दूसरों की शादी का तो शुभ मुहूर्त निकाल लेते हो, लेकिन आपके यहाँ आने का शुभ मुहूर्त मैं कौन से पंडित से निकलवाऊं? अजी शुभ मुहूर्त निकल आया है, मुंह मीठा करवाइए। निक्की की शादी के लिए 24 तारीख का मुहूर्त निकला है। 24 तारीख? नमस्ते, कहाँ जाने का बोलो? आगरे का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, उदयपुर का शीश महल। जाने का 1000 रुपए, आने का 1200 रुपया, खाने का 50 रुपया, रात को रुकने का 70 रुपया अलग। और एक बात बोल देगा, अपन सामान नहीं उठेगा क्योंकि अपन गाइड है, कूली नहीं। अभी गाइड के बच्चे तो इंडिया में नहीं, लंदन में है। सॉरी मैडम, अपनी औकात पे आ गया था। औकात छोड़, अंदर कयामत आ गई है। क्या हुआ, अब क्या किया इस बुड्ढे ने? दादाजी ने हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाया है 24 दिसंबर। इंडिया, मिस लंदन, मैं यहाँ किराए का पति बन के आया था, सचमुच का नहीं। सुनो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ शादी करने नहीं लाई हूँ, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने लाई हूँ। ठीक है ठीक है, कहाँ है वो? लगता है काले झोपड़े पे किसी ने सफेद छपरा लगा दिया। क्या? तुम्हारे दद्दू वो पार्क में वॉक करने के लिए गए हैं। रूमी बेटे, कुछ कर कुछ कर, काम करता हूँ धक्का मार देता हूँ, बुड्ढे की हड्डी वड्डी तो टूटी जाएगी। हाँ, उसके बाद मुझे लात मार के इंडिया वापस भेजेगा। करेक्ट करेक्ट। Hey, तो इधर, आज हम तुमको नहीं छोड़ेगा। उस दिन तुम हमको क्या पिलाया था बताओ? हाय, अबे इंग्लिश मुर्गी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? गोल गोल रहा है। कौन भूखे भिखारी को सता रहा है भाई? तुम, अबे भूतनी के तू, जिनको मैं ढूंढता हूँ वो तो मिलते नहीं, ये बोर आइटम मिल गया। वो तुम्हारा लोफर दोस्त है। अबे उसी को तो मैं तलाश कर रहा हूँ। हम उस फ्रॉड का पीछे जा। इंडिया से यहाँ आ गया नहीं? वो हमको मिला तो ऐसे क्या करेगा बे? हमको छोड़ेगा नहीं। तू नहीं छोड़ेगा, तेरे को मैं नहीं। शेरी, लगता है आज मेरा काम हो गया। रोमी ने जरूर कोई ऐसी हरकत की है कि दत्तू सिर्फ उसे नाराज ही नहीं बल्कि उसे मार मार कर घायल भी कर दिया है। बेटे कहीं और तो चोट नहीं आई है ना? हाँ हाँ। दर्द नहीं हो रहा है ना? हाँ हाँ। अरे श्योर? बेटे, क्या दामाद लेकर आई है तू, जिसने अपनी नाक खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है। अगर ऐसी चोट मुझे लगती तो मैं तो कब का ऊपर पहुंच गया होता। बस तू उसका ख्याल रख, मैं अभी किसी स्पेशलिस्ट को बुला कर आता हूं। ओके? वाओ, तो ये है वो प्रिंस चार्मिंग। व्हाट अ डैशिंग बॉय। ए ए ए, माना नहीं, माना नहीं, माना। ओह, मारू नहीं तो क्या तुम्हारी पूजा करूं? तुम्हें वहां विलन बनने भेजा था, हीरो बनने नहीं। कम ऑन निकी, डोंट बी सो रूड यार, कितना दर्द हो रहा होगा इसे। और कहाँ कहाँ चोट लगी है तुम्हें? पास आओ, तुम्हें सारी चोटें दिखाता हूँ, यहाँ वहाँ सब कुछ दिखाता हूँ। हटो तो। और तू कहाँ चिपक रही है? हट यहाँ से। तुझे क्या प्रॉब्लम है? अगर ये मेरा फ्रेंड बन जाए तो मैं इसे इंडिया से लाई तो मैं इसे लंदन में रख लूंगी। क्यों हैंडसम? एनी टाइम, 5 लाख ओनली। अच्छा, अब तू जा, लेट हिम रेस्ट। ओके, बट बीमार का हाल चाल पूछने आना जाना तो पड़ेगा ही। बाय हैंडसम, बाय बाय। अबे इंग्लिश कार्टून, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? ग्रैंडपा तुमको बुलाया। क्या, बुड्ढे ने फिर बुलाया?
नीचे कुछ नहीं, कंप्लीट चाइना। अबे तेरे को शर्म आ रही है तो मुंह घुमा के खड़े हो जा। दादाजी तुमको बुलाए, किधर को लेके जाने का है? ओह, अरे इतना बड़ा शोरूम, दादे अगर इसको खाली कर दो तो यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं। दादे तेरी तो ऐश है, दादे ऐश है। टीवी टीवी दादे, दादे जब मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा ना तो मुझे एक टीवी दे देना, कलर टीवी। प्रॉब्लम है तो छोटी वाली चलेगी। प्रॉब्लम तो है बेटे, प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा शोरूम मैं अकेला कैसे संभालूंगा। आज से ये शोरूम तुझे संभालना है। मुझे? हाँ बेटे, कल तक इस कुर्सी पे बैठ के मैं अपना सारा कारोबार संभालता था, आज से तू संभालेगा। मैं मैनेजर को अंदर भेजता हूं, वो तुझे सेल परचेज नफा नुकसान के बारे में सब कुछ समझा देगा। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या है? बैलेंस शीट सर, इसमें कंपनी का नफा नुकसान सब लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए। हाँ जी सर, ये बैलेंस शीट है, इससे तो लगता है कंपनी सिर्फ नुकसान में और फायदे में सिर्फ आप हैं। अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया, आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं आप? आप स्ट्राइक करवा सकते हैं, लॉकआउट करवा सकते हैं, आप शोरूम बंद करवा सकते हैं, आप दादे से मेरी शिकायत कर सकते हैं। क्यों, यही कर सकते हो? करो ना, गेट आउट। दादे तेरी जिंदगी भर की कमाई से तूने जो शोरूम आबाद किया, मेरे एक लावे ने तुझे बर्बाद किया। वाह, अब वो मैनेजर घर जाएगा, दादे से मेरी शिकायत करेगा, दादा भड़क जाएगा, फिर मुझे फोन आएगा। फोन किधर? ओह हाँ, हेलो दादा जी, मैं आ रहा हूं। यस, लंदन मैं जा रहा हूं। तुमने मैनेजर को चाटा मारा? हाँ मारा। तुम अकाउंट के बारे में क्या जानते हो? देखिए दादाजी, अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं, मेरे काम करने का तरीका यही है, अगर आपको मेरे वजह से कुछ नुकसान हुआ तो मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ, बाय। बेटे मेरी कंपनी को इतने बड़े नुकसान से बचाकर तू जाने की बात कर रहा है क्या? ये कमीना पिछले 10 साल से मेरी कंपनी के हिसाब में हेरा फेरी करके चोरी करता रहा, लेकिन आज तक इसे कोई नहीं पकड़ पाया। लेकिन बेटे तुमने इसकी चोरी एक ही मिनट में पकड़ ली, तुम्हारे एक चाटे ने इसके होश ठिकाने आ गए और यहाँ आकर इसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। एक बात बता बेटे, तूने ये सारे अकाउंट सीखे कहाँ से? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह? ओ तुम्हारा मुंशी? मेरा बाप। बाप? ओ बाप 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 बाप। गुड मॉर्निंग मिस्टर पुरुषोत्तम। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, अरेस्ट हिम। सर प्लीज, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अब दद्दू ये इतनी माफी मांग ही रहा है तो आप माफ कर दीजिए ना इसे, हो सकता है इसकी भी कोई मजबूरी हो। बेटे बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है। मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं लेकिन गद्दारी और विश्वासघात नहीं। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो धोखेबाजी करते हैं, फिर वो मेरा कोई अपना ही क्यों ना हो। ऑफिसर टेक हिम, अरेस्ट हिम। कैम, सुना मिस लंदन, आपके दादा को धोखेबाजों से सख्त नफरत है। अरे आपने बताया नहीं कि टीनूपाल के डिबिया की पुलिस में इतनी पहचान है, पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है।